ब्लॉक बूथ डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा। संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में, उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते जो खड़गे साहब जिस ढंग के हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी। राजस्थान में ओलीजवेल सर, राजस्थान में एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात कही जा रही थी, अब तो आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे, स्थिति स्पष्ट हो गई। देखिए मैं तो मेरा काम करते जा रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ कि जो 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 काम होते जाए कलम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने जाके सोनिया गांधी जी उसे कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहाव पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर। पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी बैंड ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दूतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा आप अध्यक्ष का, नहीं भरे फॉर्म कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अविभाग बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अविभाग तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं जिस प्रकार उन्होंने जीवन